ये रिश्ता क्या कहलाता है। डॉक्टर ये सब रेडी हो गया है, सर्जरी के लिए आप भी रेडी हो जाइए। मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो मुझसे शादी के लिए? देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, साफ सीधी बात करता हूँ, वैसा ही जवाब पसंद है, हाँ या ना। हाँ। ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, ये जानते हुए कि वही मेरा पहला प्यार है, वही मेरा आखिरी प्यार, आज भी उससे प्यार करता हूँ, अब भी? हाँ अब भी। मैं ये शादी सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए कर रहा हूँ। जानती हूँ। जानती हो फिर भी ओके? मैंने ये नहीं कहा कि मैं ओके हूँ, पर मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक ना एक दिन ओके हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, एक जिद है मुझ में तुम्हारी तरह, जो चीज चाहूँ उसे पाने की। तुम भले ही मुझसे प्यार ना करते हो, पर मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारा प्यार जीत के बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए और वो मुझे कैसे मिलेगा, और इसे पाने के लिए मुझे क्या कीमत चुकानी होगी मैं वो भी जानती हूँ। मेरे सामने आज सब कुछ साफ है। अभी मैं तुम्हारे लिए हमेशा अभिमन्यु रहूंगा। ओके ओके आई एम रेडी। सर्जरी पे मिलते हैं। अभिमन्यु से अभी का सफर मैं तय कर कर ही रहूंगी। मैंने आरोही से बात कर ली है, लाइक आई सेड बता दीजिएगा कब कहाँ कैसे जाना है। तुम डांस प्रिपेयर कर लो क्योंकि मैं शादी कर रहा हूं। मेरे यार की शादी है। इस गाने पे डांस प्रिपेयर कर रहा, या फिर बोले चूड़ियां बोले कंगना टीडीडिंग टीडीडिंग, इस गाने पे डांस प्रिपेयर कर लो। इनफैक्ट आई हैव अ बेटर सॉन्ग, परफेक्ट है तुम्हारे लिए, उस पे डांस प्रिपेयर करना था। जिनके आगे भी जी जिनके पीछे भी जी वो है मेरे आरोही। स्वीट चमक, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी। ये शादी नहीं हो सकती, समझ आया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? बड़े पापा आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अभिमन्यु खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं, उनके परिवार वालों ने भी मंजूरी दे दी है। इनफैक्ट डॉक्टर हर्षवर्धन बिरला ने तो नाम मत लो उनका मेरे सामने। भूल गई हो हमारे घर में खड़े होकर उन्होंने किस तरह का बर्ताव किया था हमारे साथ, कितना जलील किया था हमें, किसी को बख्शा था? तुम्हें मुझे या बाकी सबको मजाक बना के रखा है। कल अक्षरा का रिश्ता लेकर आ गए, आज आरोही से शादी करनी है, लॉटरी है या रिश्ता, देखते हैं किस बच्चे की निकलेगी। अब सही कह रहे मनीष जी, आरू जब हमारा उस फैमिली के साथ अब कोई लेना देना नहीं है, फिर दोबारा ये रिश्ते वाली बात क्यों? एक मिनट भाभी, भाई साहब एक बार आरोही की पूरी बात तो सुन लीजिए। जो काम करना ही नहीं है उसके बारे में बात भी क्यों सुने? सुननी चाहिए बड़े पापा, मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ, उसे पसंद करती हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? पिछला जो कुछ भी हुआ, जो भी कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से भी हुआ, वो भूल जाते हैं ना। अगर उन्होंने हमें कुछ कहा तो हमने भी पलट के जवाब दिया है, और उसके बाद हॉस्पिटल में उन्होंने मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखा। आपने अक्षरा को कुछ नहीं कहा अभिमन्यु को बचाने के लिए, तो फिर आज मुझे क्यों रोका जा रहा है अभिमन्यु से शादी करने से?
कभी ना कभी तो हमें आगे बढ़ना होगा ना। अब एक बार अच्छी तरह कान खोल के सुन लो, नहीं का मतलब नहीं। ये अलमारी ही मेरा अपना कोना है इस घर में, जो बात मैं किसी से नहीं बता सकती, वो बस ये संभाल के रखती है। माँ, माँ, फोन है आपका। हाँ हाँ तो रुक, मैं आ रही हूँ। चाची, मैं ठीक हूं बेटा, तू चल मैं आती हूं। ठीक। अच्छा है तू आ गई, तेरा ही वेट कर रही थी। अब तू आ गई है ना तो सबको बता देती हूँ। मम्मी, बड़े पापा, भैया जल्दी आइए। क्या हुआ अरुण? क्या हुआ? ये देखिए। ये वही कंगन है जो तिलक वाले दिन गेम में था। मैं जानता हूं मैंने सही हाथ थामा है। अरे शगुन वाले कंगन, जो मैं डिजर्व करती हूँ वो मुझे चाहिए, जैसे बिरलास का एक खानदानी कंगन। लेकिन बड़े पापा ने तुझे मना किया उसके बाद भी। हाँ अरुण, फिर भी तूने क्यों किया? और किया भी तो बिना बताए क्यों? अगर बता के करती तो आप करने देते क्या? मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया है वो आप सब नहीं चाहते थे, पर ये मेरी लाइफ है और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में वो हो जो मैं चाहती हूँ, ना कि बाकी लोग। इसलिए चली गई मैं। किससे पूछ कर गई थी वहां? मेरे साथ गई थी भाई साहब। अभिमन्यु सर, मैम आइए ना। नमस्ते।
बताया था ना, जो हूं जैसा हूं आपके सामने हूं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसा नहीं हूं मैं। इस बार हम ऑफिशियली रिश्ता लेकर आए हैं और नाम पहले ही बता दूंगा ताकि पिछली बार की तरह कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी परमिशन चाहिए। हम आपके घर की बेटी आरोही के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। आरोही के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है।